गुण सागर जाया कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महाविक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन वरन भी राज सुबेसा कंचन को दल को चीत देसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुज जनयो सादे। शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगब वन भूमि अति चातुर। राम काज करी देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे कोरसिया राम लखन सीता नवसिया। रूप धरिषि हई दिखावा विकट रूप धरिला का जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के का जसवा। लाया संगी बन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि ओर लाए। रघुपति की हो तबराए तुम मम प्रिय भरत सदया बदा ना तुम्हार जय गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सा रद सही तहिसा। जप कुबेर पाल जाते कवि कोविद कहिसा के कहते। तुम उपकार सुग्री बहिके राम मिला या राज पद दीना। तुम्हार मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस जो जन पर मानो लीनो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मोख माई जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तो उम्र सवारी होतन आज्ञा बिनु पसारी। सब सुख लहे तो मारे सराना तुम रक्षक काम को डरना। आपन तेज मसारे आपे तीन लोक हाथ
पीरा जप निरंतर हनुमंत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके ताज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चार युग परता आप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नव निधि असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काय और देवता चितन धरई हनुमान जई सर्व सुख करई संकट करी पित सब पीरा जो सुमिरन मत वल्लभीरा जो 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव सुनाई जो सतवार पाठ कोई दुख निबंध मातुख होई जो यह पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि सच गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेला तीज नाथ हृदय में तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सित सहित हृदय बसु सुरभूप जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्थलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं
नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, आज श्री हनुमान जयंती, आज श्री हनुमान जी का जन्म तिथि है। कहती हनुमान जी कौन है? कहती हनुमान कोई साधारण नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देहत जी नेहवस बानर भाई हनुमान। स्वयं शंकर जी भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के जब देखा ये शंकर जी के स्वरूप में मैं प्रभु जी की सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने रुद्र देह को परित्याग करके प्रेम में वशीभूत होकर के एक बंदर रूप में श्री हनुमान जी जन्म लिए हैं। बल श्री हनुमत लाल की, बल श्री अंजनी सुत की जय। इसलिए शंकर जी कौन है? कहते शंकर जी स्वयं श्री शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभव। जब शंकर जी तैयारी हुए, क्या तैयारी हुई? तैयारी हो रहे थे प्रभु राम रूप में जा रहे हैं, उनकी सेवकाई के लिए मैं जाऊं। देखना स्त्रियों का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है स्त्रियों का? अगर पति कहीं जा रहे हैं ना, पति कहीं जा रहे हैं, पहले पत्नी तैयारी होती है, वो पहले पता लगा लेती है कहाँ जा रहे हैं, वो पहले से ही सज धज करके, क्योंकि बाहर जाने का तो सुजुग मिलता नहीं, जब पति जाए उनको साथ में सज धज करके बढ़िया बढ़िया साड़ी और गहना पहन करके पति को साथ में जाने का सुजुग मिलेगा बाहर जाने का। इसलिए जब शंकर जी तैयारी हो रहे थे प्रभु रामलीला में आने के लिए, इतने में माता देवी ने पूछा, बोले अब कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान राम रूप में नर अवतार लेकर के प्रभु जा रहे हैं, इसलिए प्रभु की सेवकाई के लिए मैं ये स्वरूप में नहीं, मैं हनुमान बन करके जाऊंगा। बोले मैं भी चलूंगी। चुपचाप आकर चुपचाप बस कहते मैं भी चलूंगी। बोले देखो ये अवतार में मैं ऐसे जाने वाला नहीं, इसी अवतार में मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा, मैं गृहस्थ बनकर नहीं जाऊंगा। गृहस्थ बनकर जाता फिर तुम चलती, लेकिन इसी अवतार में मैं ब्रह्मचारी बनकर के जाऊंगा और प्रभु को सेवा करूंगा। हैं? बोले ब्रह्मचारी क्यों बनकर के जाओगे? बोले ब्रह्मचारी के बगैर है ना ठाकुर को पूर्ण सेवा नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान ब्रह्मचारियों को भगवान अपना हृदय में रखते हैं। मौर पंख क्यों भगवान सर पर धारण करते? बोले कारण है मौर ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी को भगवान अपना सर पर अपना हृदय में धारण करते हैं भगवान है, इसलिए ब्रह्मचारी के बगैर संपूर्ण भगवान की सेवा नहीं कर सकते। शादी करो तो पत्नी को तो आधा एनर्जी पत्नी को देना पड़ेगा, फिर बीवी बच्चे हो गए तो बच्चे हो गए तो फिर और थोड़ी बहुत जो एनर्जी उनको प्रति चला गया, फिर तुम्हारे पास में है क्या चीज जो ठाकुर की सेवा करोगे? भले इसी अवतार में मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा, मेरा कोई बीवी बच्चे नहीं रहेंगे,
संपूर्ण रूप में 100% सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म को छोड़ करके मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर, संपूर्ण सारे एनर्जी को केवल मैं ठाकुर को सेवा में दूंगा, भगवान की सेवा में दूंगा। इसलिए इसी अवतार में पत्नी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बोले नहीं मैं चलूंगी, मेरे को साथ में ले चलो। बोले तुम जाकर क्या करोगी वहां पर, तो मैं प्रभु का सेवा करूंगा, तो बोले मैं भी सेवा करूं। बोले तुम क्या सेवा करोगे, मैं तो ब्रह्मचारी बनकर के जाऊंगा। बोले तो मैं तो जाए बगैर रह नहीं सकती। इतने में वो क्या की हनुमान की पूछ में बैठी गई, हनुमान जी की पूछ में बैठी गई। इसलिए एक राम कथाकार कह रहे थे हनुमान जी लंका क्यों जलाए, ये लंका क्यों जला, बोले कारण है उनका पूछ में कौन बैठी है, माता पार्वती, उनकी पूछ में माता पार्वती। अगर पूछ में कोई आग लगाए फिर पार्वती छोड़ेगी है, पार्वती छोड़ेगी। इसलिए हनुमान जी बोले मेरे पूछ में पार्वती में आग लगाए ना, अभी देखा था पूरा लंका को, सोने के लंका को उन्होंने हनुमान जी जला करके राख बना दिए है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया सोने की लंका में कैसे आग लगाई, आग सोने में कहीं लगती है, आग आग किसमें लगती है, साधारण चीज में आग लगती है। सोने को जितने आग में डालो देखना सोना उतना निखरता है, उतना उसका उज्जवल प्रकाशित तो होता है। फिर उन्होंने ये लंका कैसे जलाए, लंका कैसे जलाए, बोले कारण है शिक्षा देते हैं पूरे लंका को तो उन्होंने जला दिया, लेकिन केवल एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया। किसका घर छोड़ दिया, केवल विभीषण का घर को छोड़े और पूरा लंका को जला करके राख बना दिया। यहाँ पर हनुमान जी कौन है, बोले वो स्वयं शंकर है। रावण किसको पूजा करता था, शंकर जी को है, इसलिए दशानन है। 10 बार उन्होंने सर को काट करके श्री शंकर जी के चरण में अर्पण कर दिया है, इसलिए उनको नाम दशानन उन्होंने पढ़ा, 10 बार उन्होंने दिया है। और शंकर जी के घनिष्ठ भक्त हैं जो शिव तांडव, रावण ने शिव तांडव गाए हैं, इसलिए उनके घर में शंकर जी की पूजा हो रही थी, लेकिन वो शंकर ही वो आग लगा रहे हैं। इतने में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाया, किसने कहा क्यों शंकर जी, देखो तेरे चले की ऐसे तैसे हो रहा है, तेरे चले के क्या हो रहा है, तेरे चले की लंका में कैसे, लंका में आग कैसे लगा के जल रहे था, हाँ कैसे जल रहा है। तब शंकर जी कहते देखो राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, जब भगवान राम से विमुख होते हैं उनका गति यही होता है। इसलिए श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में के प्यार है, प्रभु रे लंघिया जेबा दास्य सेवा करे, पूजा पाई सही वस्तु तहारे संगारे। ये बहुत अच्छी बात है, बोले प्रभु रे लंघिया जेबा दास्य भक्ति करे, जो व्यक्ति प्रभु को उल्लंघन करके प्रभु को अनादर करके उनका सेवक को उपासना करता है, पूजा खाई सही वस्तु तहारे संगारे, उसका पूजा को भी ग्रहण करेंगे लेकिन उसको ही संहार करेंगे। रावण का, रावण शंकर जी के कनिष्ठ भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त शंकर जी के, शंकर जी की पूजा वगैरह कुछ करते नहीं लेकिन अनादर करते भगवान को, अनादर करते भगवान को। जो भगवान को अनादर करके सेवक को सेवा करे उस सेवक कभी सहन नहीं कर सकता, इसके पूजा खा करके उसको ही संहार करते हैं है? इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो। अगर कोई राम से विमुख होगा ना, राम से कोई विमुख होगा तो इसलिए कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, वो सोने की लंका क्यों नहीं हो, जला करके हनुमान जी उसको राह कर देते हैं। हनुमान जी शिक्षा देते हैं उसी का ही घर बच जाएगा जो केवल प्रभु राम की शरण में जाएगा, वही जगत में केवल बचकर रहेगा। जो प्रभु राम की शरण में नहीं जाए, सोने की लंका होने पर भी, घर होने पर भी, संसार होने पर भी, जल करके सबके सब राग बन जाएगा है, हनुमान जी सिखा देते हैं। इसलिए कहते रुद्र देह तेज नेह बस बानर भय हनुमान, इसलिए उन्होंने ये रुद्र शरीर को त्याग दे करके भगवान की प्रेम में बसीभूत होकर के स्वयं उन्होंने श्री बंदर बनकर के आए। क्या बलिष्ठ हनुमान, जब उन्होंने जन्म हुए बड़ा उनको भूख लगा, इतने में देखा सूरज उदय हो रहे,
सूरज को देख कर कोई बोला लाल लाल कोई फल होगा है, ये कोई लाल हनुमान जी क्या बलवान उड़ चले सूरज को है उसको खाने के लिए, सूरज को खाने के लिए चल पड़े और सूरज को ने निगल लिया सूरज को। अभी सारा दुनिया में अंधकार छा गया है सब। इतने में इंद्र ने क्या किया, उन्होंने वज्र मारे तो हनुमान को मुंह में लगा तो हनुमान जी बेहोश हो गए। जब हनुमान जी बेहोश हो गए उनको पिताजी को जो पता चला इंद्र ने मेरे बेटे को ऊपर में वज्र प्रहार किया, इतने में हाँ उनको पिताजी कौन है श्री पवन देव, उन्होंने पूरा पवन ही बंद हवा को, हवा बंद कर दिया तो सबका हवा बंद है, इसलिए हवा उन्होंने बंद कर दिया तो सबका हवा बंद हो गया, सबके सब त्राही माम त्राही माम सबके सब है। ब्रह्मा जी को विष्णु को पास में गए, इतने में फिर भगवान ने उनको जीवन दिया और जितने देवता है ना हनुमान को वर प्रदान किया। बोले क्या वर प्रदान किया, बोले हमारे कोई भी अस्त्र तुम्हें बांध नहीं सकता मार नहीं सकता, हमारी अस्त्र तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी कोई अस्त्र तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। सबके सब उनको वरदान दिए बलवान, क्योंकि वो जानते थे एक दिन प्रभु राम का ये सेवक बनेगा। इसलिए जिस समय मेघनाद ने हनुमान को बांध करके ले आया उसको पहले तो उन्होंने बहुत राक्षसों को मारा, जिसको जिसको भेजा उसको उसको मार डाले। जब मार डाले जिस समय मेघनाद ने उनको कौन सा अस्त्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान है, क्या वरदान है, हमारा कोई अस्त्र तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा बांध नहीं सकता है, लेकिन केवल हनुमान जी ने स्वीकार किया बंधन को, वो बांध नहीं सकते थे। क्यों, भले देखो तो रावण कैसे, वैसे तो भेंट नहीं होगा उसके साथ में, भेंट तो घर उसका क्या प्रताप है, इसलिए हनुमान जी केवल जान बुझ करके स्वीकार किया और उसको जो बांध करके ले आए ना हनुमान जी को, हनुमान जी कहते हैं मैं चाहने पर तुमको अभी अभी मैं समाप्त कर सकता हूँ, यहीं पर मैं तुमको समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जस मेरे प्रभु को प्राप्त हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, और तुम्हारे बेटा मेरे को जो बांध करके लाया है ना ब्रह्मा का वरदान मेरे ऊपर में, ये ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर में कोई काम नहीं कर सकता, केवल मैंने कृपा करके इसको स्वीकार मैंने किया है केवल तुमसे मिलने के लिए है। वो कहता अगर मैं स्वयं शंकर होता तो है जिनकी चरण की सेवा मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी कौन है शंकर, हनुमान जी शंकर, इसलिए कहते तुम जिन शंकर को उपासना करते हो उस हनुमान जी कह रहे मैं स्वयं जिनकी चरण की सेवा में स्वयं करता हूँ जिनकी चरण की सेवा है। इसलिए जब यीशु बात बताए ना ले बंदर आकर प्रभाव कर रहे हो, जैसे शंकर जैसे तुम बात कर रहे, क्यों वो शंकर स्वयं, वो शंकर स्वयं, इसलिए उनको ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र उनको ऊपर कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक बताया कहते नौ तरह का भक्ति है। प्रहलाद महाराज को जब उसको पिता ने पूछा बताओ मैंने तुमको जो गुरुकुल में भेजा था गुरु तुमने तुमको क्या उत्तम विद्या तुमको सिखा दिया बताओ, प्रहलाद ने कहा यहीं पर बोल सकता हूँ क्योंकि सबके सब लोग बैठे ना सुनेंगे, मेरे गुरु तो नारद जी है, ये संडा अमरग तो मेरे गुरु जी है ही नहीं, संडा मतलब होता है साढ़, अमरग मतलब है बंदर, ये बंदर साढ़ तो मेरे गुरु है ही नहीं, ये बंदर साढ़ तो मेरे गुरु है ही नहीं, मेरे गुरु तो नारद जी, नारद मेरे को जो उत्तम विद्या सिखाया है ना सबको सामने जोर जोर से बोलूंगा ये सबको पता चले विद्या में सबसे उत्तम विद्या क्या है। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनांग बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन अवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने धीतमुत्तमम। वहां पर जो उन्होंने नौ तरह का भक्ति का उन्होंने बात बताया उसमें एक भक्ति है दास्य है, कहती है दास्य भक्ति का आचार्य जो कौन है, बोले श्री हनुमान जी, ये दास्य रस का भक्ति हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी कहते हैं बोले भव बंधन छिन्दन्ते तसै स्पृहायाम न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते। इसलिए हनुमान जी कहते भैया वो मुक्ति को मैं नहीं चाहता हूँ, मुक्ति को मैं नहीं चाहता हूँ, ये भव बंधन से मैं मुक्ति होना नहीं चाहता हूँ,
मैं नहीं चाहता हूं जिसको द्वारा क्या हो जाता है, प्रभु और दास, प्रभु दास का संबंध जहां पर नष्ट हो जाता है, वो मुक्ति नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, केवल मैं चाहता हूँ भगवान का चरण की सेवा ही मैं चाहता हूँ, केवल चरण की सेवा ही मैं चाहता हूँ। इसलिए हम अभी श्रवण कर, जिस समय श्री हनुमान जी माता सीता को उद्धार करके लाए, कहाँ लाए, अयोध्या में, अभी भगवान राम ने हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अगर तू नहीं होता तो ये माता सीता को पता लगाना इतना कोई आसानी बात नहीं था। हाँ, कितने योजन, कितना योजन लंग कर गए थे, कितना योजन, सहस्र योजन, सहस्र योजन लंग कर गए थे, हैं, इतना इतना ये हनुमान के बगैर कोई संभव नहीं था। बोले तू नहीं होता तो सहस्र योजन कौन लंग करके जाता है, ये असंभव था। इसलिए तेरे वजह से आज क्या हुआ, आज माता सीता की उद्धार हुई। आज तुम जो कुछ मेरे से मांगोगे, तुम्हारी सारी इच्छा को आज मैं पूरी कर दूंगा, बोलो जी भर करके। रामायण देखे होंगे, इतने में हनुमान जी प्रभु राम के चरण में सर झुकाते। जब सर झुकाए और भगवान राम उनका सर पर जब हाथ रखे ना, कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाए, कैलाश में शंकर पार्वती को दिखा रहे हैं। शंकर इतने प्रेम में विभोर हो गए, प्रेम में एकदम विभोर हो गए। क्यों, वो हाथ दिखाया कैसे, किसको, शंकर जी के सर पर हाथ गया है, हैं, पार्वती बैठे हुए, शंकर जी के हाथ पर सर, हाथ सर पर हाथ गया और उन्होंने भगवान से बर मांगे। बोले बर मांगो, क्या हनुमान जी क्या बोले, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु आपका चरण में बार बार बर मांगो, कहते एक बार नहीं, बारंबार तुम्हारे चरण में है एक ही चीज प्रार्थना करता हूं। बोले क्या है, हमें अनुपायनी भक्ति प्रदान करो, अहितु की भक्ति प्रेम प्रदान करो और हमें संतों की संग, संतों की संग हमें प्रदान करो। मैं प्रभु यही चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न होकर के भक्ति प्रदान की, शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए, बोला जीवन मेरा धन्य हो गया, आज प्रभु मेरे ऊपर हाथ रख करके हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी। इसलिए हनुमान जी कौन है, कहते श्री हनुमान जी हैं, कहते श्री हनुमान जी बहु बहु रूप में सेवा करते हैं। यहाँ पर एक श्लोक बताए, बोले बहानम आसनम ध्वज छत्र बितानम व्यंजनम बंदी। कहिए हनुमान जी, कहिए आसनम, अगर कहीं भगवान राम को जाना पड़ जाए, हनुमान जी अपना शरीर को इतना विशाल बना देते हैं, भगवान राम उनको पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, लक्ष्मण और श्री हनुमान जी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, हैं, बैठ कर क्या करते हैं, हनुमान जी उनको उड़ा करके ले जाते हैं, आसन बन जाते हैं। अब देखो मेघनाथ को साथ में जब युद्ध हो रहा था, अभी मेघनाथ रथ के ऊपर में, लक्ष्मण नीचे, इतने में हनुमान जी ने कहा देखो लक्ष्मण लाल वो युद्ध कर रहा है किसमें, रथ में, अब नीचे होकर खड़े होकर युद्ध कर, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बस लक्ष्मण को उन्होंने अपना कंधे पर बैठा दिया। लक्ष्मण कौन, शेष बलदेव प्रभु, उनको जो कंधे पर बैठा है साधारण बात है, है? उनको बैठा करके वो युद्ध कर रहे थे बैठा करके। आज जिस समय राम लक्ष्मण सुग्रीव को संधान करते करते जा रहे थे, कहाँ है, इतने में सुग्रीव उसको देख करके, ये अंगद देख करके छुप करके देखा, अंगद ने क्या उनको नल और नील छुप करके देखा, दो पुरुष हैं, दो बड़े बड़े बलवान, दो पुरुष कहाँ पाप ढूंढ रहे हैं, वो डर गया, हो ना हो बाली तो नहीं, इसको तो भेज नहीं दिया। इतने में हनुमान जी कैसे पंडित बन करके आ गए और संस्कृत बोलने लगे, संस्कृत बोलने कहाँ से आए हो, संस्कृत भाषा में सब कुछ बोल रहे हैं। भगवान राम तो देख कर समझ गए हैं, समझ गए, लेकिन हनुमान पर क्या करना चाह रहे थे और संस्कृत भाषा में बोल रहे थे। भगवान राम ने बोला, लगता है आप बहुत बड़े विद्वान लगते हो, बड़े सुंदर संस्कृत भाषा में लगता है चार ही वेद को आप जानने वाले हो। बोले हाँ आप सही बता रहे हो, मैं सब वेद को जानने वाला हूँ। बोले कहाँ यहाँ पर आए हो, क्यों, क्या ढूंढ रहे हो। इतने में लक्ष्मण ने उन्होंने पूछा, बोले अगर आप पूछोगे तो तुम क्या करोगे, बोले
उनको पास में ले जाएंगे, उनको पास में ले जाएंगे। बोले किसको ढूंढ रहे? बोले सुग्रीव को। बोले सुग्रीव उनको क्यों ढूंढ रहे हो, क्या बात है, हैं? उनको ढूंढने का क्या कारण है? तो लक्ष्मण को साथ में बड़ी तर्क वितर्क हुई। इतने में लक्ष्मण ने कहा, लगता है ये पंडित ही ज्यादा बोलने वाले। बोले प्रभुया इनके चक्कर में मत पड़ा करो, है, चलो हम अपने आप ढूंढ लेंगे। इतने में हनुमान जी ने कहा, लगता है ये जो बड़े भैया तो शांत शिष्ट लगते हैं, लेकिन जो छोटे भैया है ना, है, ये लगता है थोड़ा ज्यादा घुसालू है, है। बोले तुम कौन हो? बोले उनका मंत्री, मेरे बगैर विभीषण से कोई मिल नहीं सकता है। बोले मैं उनका मंत्री हूँ, मेरे बगैर उनसे कोई मिल नहीं सकते हैं, तो पहले बताओ तुम है कौन। तो भगवान राम ने बताया, हम दशरथ महाराज के दो पुत्र है, राम और लक्ष्मण है। बोले सुग्रीव को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले इसलिए ढूंढ रहा हूँ, उनसे मित्रता हमको माता सबरी ने ये बात बताई। जब उन्होंने सुना राम और लक्ष्मण, हनुमान जी तो एकदम ये हो गए, चक्कर में पड़े गए, कहते तो मेरे प्रभु है, आइए मेरे प्रभु। इतने में श्री हनुमान जी फिर अपने सही रूप में आए हैं। इतने में हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु जी आप अपना सेवक को पहचानने में इतने देर कैसे कर दिया? बोले तुम मेरे सामने तुम ऐसे संस्कृत भाषा में बात कर रहे थे, हैं? संस्कृत भाषा में मेरे को संस्कृत सुना रहे थे, विद्वान अपना विद्वता दिखा रहे थे। विद्वता से थोड़ी भगवान मिलते हैं, दीनता से भगवान दीनता से मिलते हैं। फिर उन्होंने हनुमान जी क्या किया, उन्होंने फिर कंधे में बैठा करके प्रभु राम लक्ष्मण को उन्होंने ले गए, श्री सुग्रीव को पास में ले गए। फिर मित्रता हुई, फिर उन्होंने देखे बोले इनका भी पत्नी खोया, इनका भी दोनों का ही पत्नी खोया हुआ है। फिर तो उन्होंने वहीं पर उन्होंने अग्नि जला करके फेरा लगा करके उन्होंने प्रतिज्ञा उन्होंने मित्रता की, बोले मैं तुम्हारी पत्नी को मिलाऊंगा, तू मेरे पत्नी को मिलाओगे। इसलिए कहते जो हनुमान जी कहते ये कौन है, अगर कहीं भगवान बैठे हुए हैं, हनुमान जी का इतना बड़ा शरीर था, अगर कहीं बैठे हुए जैसे धूप लग रहा है ना, हनुमान जी अपना शरीर को इतना बड़ा बना देते, क्यों? अनिवा लखिमा प्राप्ति प्रकाम जितने अष्टनिधि नवनिधि के दाता, इसलिए शरीर को इतने बड़ा बना देते थे। क्या करते थे? भगवान के ऊपर छाया होता था, और कभी कभी अपना पूछ को ही बड़ी सुंदर छतरी बना देते थे, है? छतरी बना देते थे। इसलिए बितानम व्यंजनम बंदी और मंत्री, कहते भगवान राम का ये मंत्री है, अगर कुछ काम करना है ना, भगवान को भी हनुमान से प्रश्न करते थे, हनुमान बताओ अभी क्या करनी चाहिए। हनुमान भगवान को कभी कभी परामर्श देते थे, प्रभु ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ये करो ये करो। इसलिए कभी कभी ये हनुमान जी मंत्री का काम करते थे। बोले भीषक, है, भीषक मतलब होता है औषधि, उन्हें तो दो बार औषधि लाए, एक बार औषधि लाए किसका हो? जब लक्ष्मण का शक्ति शैल हो गया, है, शक्ति शैल हो गया, तो जब उन्होंने विभीषण ने पूछा, बोले देखो एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले लंका में एक वैद्य है, सुषेण वैद्य है, बड़ा बुद्धिमान है, रावण का विशेष वैद्य है, ये सब कुछ दवा जानता है, अगर किसी तरह से उसको उठा करके ले आ जाया ना, बस काम हो जाएगा। बोले कहाँ रहता है? बता दिया अमुक स्थान पर। अब रामायण देखे होंगे, इतने आसानी नहीं था उनको लाना, चारों तरफ पहरादार दे रहे हैं, छोटे से चुष्ट रूप धारण करते हुए गए, और उन्होंने पूरा पूछे, आप ही का सुषेण वैद्य है, हैं? बोले हाँ मैं ही सुषेण वैद्य हूँ। हम बोले क्या बात? बोले बात क्या बात, चलिए। बोले कहाँ? बोले चलो, पूरा घर समेत उठा लिया, हैं? घर समेत उठा लिया। बोले मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ, वहां पर पहरादार देख रहे हो ये क्या है, पूरा आकाश में उड़ा कर घर को ले जा रहा है, बचाओ बचाओ। बोले तुम कौन, क्या जमदूत हो क्या तुम, क्या मेरे कहाँ ले जा रहे हो, अभी मरने का मेरा समय नहीं आया, कहाँ ले जा रहे हो? बोले प्रभु का है, बोले तुम्हारी कल्याण करने के लिए, कल्याण करने के लिए, मरवाने के लिए नहीं, बोले साक्षात प्रभु का दर्शन होगा तुम्हें, हाँ साक्षात प्रभु का दर्शन मिलेगा। फिर जब उसको ले आए हनुमान जी, फिर सुषेण वैद्य ने कहा, देखो जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो लास्ट तक भी छोड़ता नहीं, अगर थोड़ी सी कहीं प्राण है उसको रक्षा कर सकता है। तो उन्होंने लक्ष्मण को हाथ कान हाथ सब देखता कर देखे, बोले बड़ा गहरा, इसको बड़े गहरा प्रभाव है, प्राण अभी थोड़ी सी केवल बाकी है, बाकी है, लेकिन एक उपाय तो है। बोले क्या है?
बोले ये असंभव है। हनुमान जी ने कहा बताओ तो सही क्या असंभव है, कहते कौन सा पर्वत है, गंधमार्दन पर्वत, कहते वहां से कितने दूर है, है? है? वहां से लंका से कितने दूर है, हाँ भारत का इस तरफ, उस समय तो एरोप्लेन था नहीं, एरोप्लेन होता तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं, और इतना यहाँ से वहां तक एक रात में, एक रात में अगर कोई ले आए एक रात में है विशलकरणी, और एक क्या है मृत संजीवनी, विशलकरणी और श्री मृत संजीवनी, एक तो प्राण संचार करता है और एक घाव को भर देता है, एक रात में अगर ला सकता है प्राण बच सकता है। बोले प्रभु, भगवान राम को चरण में प्रणाम किया, बोले प्रभु केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, केवल मेरे को आशीर्वाद, बस हनुमान गए और बीच में काल ने भी बाधा रूप में रावण भेज दिया, उसको भी मारे और उन्होंने राता रात उन्होंने लेकर चले गए राता रात। लेकिन रावण सोच रहा था ये असंभव है, लेकिन उनका जो दूत ने कहा प्रभु कोई असंभव नहीं, उनके साथ जो बंदर है ना हनुमान जी, उसके लिए कोई असंभव नहीं, आप लोगों ने पहले बहुत किच किया, नाग फांस बंधन में बांध दिया, मेघनाद ने दोनों भैया को नाग फांस बंधन में बांध दिया, लेकिन उन्होंने राता रात वैकुंठ तक चला गया, साधारण बात नहीं वैकुंठ तक चला गया हनुमान जी, वैकुंठ तक जाकर के उन्होंने इतने दूर से उन्होंने गरुड़ को लेकर चले आए, और ये गरुड़ ने नागफास बंधन से उनको काट दिया, नागफास बंधन को, इतने बलवान कौन हनुमान जी। इसलिए एक समय गुरु जी ये कथा सुनाया करते थे, एक समय गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था, गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था, मैं भगवान का सबसे बड़ा वाहन हूँ, सबसे तेज गति में चलने वाला मैं हूँ, मेरे से कोई ज्यादा तेज में कोई चलने वाले है ही नहीं, गरुड़ जी का ये अभिमान है। ये अभिमान को भगवान ने तोड़ने के लिए भगवान ने एक लीला की। बोले क्या लीला की भगवान ने, बोले एक समय उन्होंने द्वारका में श्री गरुड़ जी को बोले तुम एक काम करो, तुम जहाँ हनुमान को इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को बोला, बोले एक काम करो तुम किष्किंधा में जाओ, किष्किंधा ना, इसलिए वहां पर जाओ, किम पुरुष वर्ष में वहां पर जाओ, जा करके तुम बोलना द्वारका में भगवान कृष्ण रुक्मिणी तुम्हें याद कर रहे हैं, और उनको याद कर रहे हैं और उनको ले करके आओ। इतने में गरुड़ गया, गरुड़ जा करके जब गया देखा हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, रघुपति जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। जब वहां पर पहुंचे देखा हनुमान जी प्रभु का नाम जप कर रहे थे, इतने में गरुड़ जी गए वहां, गरुड़ जी जाकर के बोले हनुमान जी प्रणाम, बोले प्रणाम, बोले क्या बात है, बोले द्वारका में आपको प्रभु कृष्ण और श्री रुक्मिणी आपको याद कर रहे हैं, कृष्ण सत्यभामा रुक्मिणी आपको याद कर रहे हैं, चलो। हनुमान जी ने कहा देखो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, शरीर में बड़ा दर्द है,
मेरे से उठा नहीं जाता, और वो आए नहीं, हनुमान जी आए नहीं। जब आए नहीं, गरुड़ जी वापस आ गए, बोले प्रभु गया, उसको तो बुलाया, लेकिन वो बोले मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, शरीर में बड़ा दर्द है, बुढ़ा बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता है। तब कृष्ण ने कहा जाओ और एक बार जाओ, जा करके तुम बोलना, और उनको साथ में लेकर के आना, जा कर बोलना श्री सीता राम और लक्ष्मण आपको याद कर रहे हैं, द्वारका में राम लक्ष्मण सीता तुम्हें याद कर रहे हैं। फिर गया, फिर जा करके बोले आपको अयोध्या में सीता राम लक्ष्मण आपको याद कर रहे हैं। जो बोले बोले मेरे को प्रभु, मेरे प्रभु राम मेरे को याद कर रहे हैं, सीता मैया या लक्ष्मण भैया याद कर, बोले हाँ, बोले कहाँ पर, बोले द्वारका में, बोले चलो गरुड़ जी बोले प्रभु जी बोले आपको लेकर के साथ में जाने के लिए, मेरे पीठ में बैठ जाओ, मेरे पीठ में बैठ जाओ, बोले कोई बात नहीं आप चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा, बोले आपको देर लगेगा, बोले चिंता मत कर मैं आ रहा हूँ। इतने में कृष्ण स्वयं बन गए राम, श्री बलदेव प्रभु बन गए लक्ष्मण। इतने में सत्यभामा को बोले तुम बन जाओ सीता, बोले मैं सीता नहीं बनू, मैं सीता नहीं बनूंगी, क्योंकि जो सत्यभामा और राधा जी के अंश में सत्यभामा है, हैं, बोले मैं सीता नहीं बनूंगी। फिर उन्होंने स्त्री का दो भाव ना, बामा और दक्षिणी भाव स्वरूप है, इसलिए कहते जो सदरभा बोले बामा भाग है और दक्षिण भाव स्वरूप श्री रुक्मिणी, रुक्मिणी को बोले तुम सीता बन जाओ। इतने में रुक्मिणी सीता बन गई, क्योंकि ये पूर्ण है ना, ये बन सकते हैं, हैं, ये सीता बन गई, बैठ गई सिंहासन में। इतने में हनुमान जी एकदम उड़ते हुए आए, और उड़ते हुए आए आकर के उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु को दर्शन करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु बड़े दिनों से आपको दर्शन नहीं हुआ था, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, प्रभु का दर्शन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद प्रसाद लिया। और जब हनुमान जी जा रहे थे ना, देखा रास्ता को बीच में गरुड़ जी आ रहे क्योंकि गरुड़ जी ये बड़ा अभिमान था, जगत में सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं हूँ, मेरे से ज्यादा कोई तेज नहीं भाग सकता। बीच में गरुड़ जी बोले क्या तुम आगे, बोले हाँ मैं प्रभु का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, ले आए। गरुड़ जी बोले हे भगवान, मैं तो सोच रहा था सबसे तेज भागने वाला मैं हूँ, ये तो दर्शन करके वापस आ जाए, मैं आधा रास्ता में हूँ, है, इसलिए वहां पर भीमसेन का भी अभिमान था, हाँ मैं बड़ा बलवान हूँ। और महाभारत देखे होंगे ना, कैसे हनुमान जी पूछ कैसे बिछा करके बैठ गए, जाओ इसलिए उसमें भीमसेन आ रहा था, बोले बंदर पूछ को हटा दो, बोले हटा दो ना, खुद हटा करके चले जाओ, बोले तुम हटा दो, बोले नहीं मैं हटा नहीं सकता, मैं तो वृद्ध हो गया, मैं उठ नहीं पा रहा, खुद हटा लो। हाँ भीमसेन सारी ताकत उन्होंने लगा दिया, सारी ताकत लगा दिया, लेकिन टस से मस भी हनुमान का पूछ को टस से मस तक भी उसने नहीं कर पाए। फिर बोले प्रभु आप कौन हो, फिर उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन कराया। ऐसे श्री हनुमान जी इतने बलवान, श्री हनुमान जी बोले जोधापति, जोधा में हाँ सर्वश्रेष्ठ जो सेनापति का काम करने वाले हनुमान जी। इसलिए कहते हनुमान जी ऐसे कोई सेवा नहीं जो कि उन्होंने भगवान की सेवा को उन्होंने नहीं की। कहते इसने किया क्या, बोले विभीषण की हैं, विभीषण का हैं का जो अभिलाष का अभिलाष को पूर्ण करने वाले कौन है, बोले श्री विभीषण से हनुमान जी। क्योंकि जो हनुमान जी मैया सीता को जब उन्हें ढूंढने के लिए गए, पहले तो लंकिनी घुसने नहीं दे रहा था, एक मुक्का मारे उसको, पहले तो सोच रहे थे स्त्री से लड़कर क्या लाभ, अपना बुद्धिमानी का काम यही अपना काम बना लो, लेकिन वो तो छोड़ नहीं रहा था, कोशिश किया था बच्छड़ जैसे रूप धारण कर घुसने के लिए, बोले ए बंदर मेरे आंख में धूल लग देकर कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने सोचा देखा ये तो गड़बड़ी कर रहा है, सोच रहा था स्त्री से लड़ाई करके क्या होगा। हनुमान जी बनाया विशाल रूप, मारे एक मुक्के से उन्होंने छक्का छुड़ा दिए, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। फिर समझ गए, बोले मेरे को पितामह ब्रह्मा जी ने यहाँ पर दिया था सेवा, बोले जब एक बंदर आएगा और एक मुक्का मारेगा उससे ही तो बेहोश हो जाओगी, समझना कि लंका ध्वंस होने का समय आ गया, मैं स्वयं लंका के अधिष्ठात्री देवी, मैं लंकनी हूँ, ये लंकिनी को मैं ये लंका को रक्षा करने वाली हूँ, समझ गया लंका भी रहने वाला नहीं। हनुमान जी गए अंदर में, जा करके ढूंढ रहे हैं मैया सीता कहाँ सीता कहाँ। उन्होंने फिर उन्हें रावण का घर में गए, लेकिन उन्हें मंदोदरी इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी मंदोदरी, उसका नाम ही मंदोदरी, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर,
वो इतने सुंदरी थी मंददरी, जिसको रूप देख करके बोले यही तो माँ सीता ने, यही तो मैया सीता ने, इतने सुंदरी। फिर देखा मैया सीता कहाँ सो सकती हैं, मेरे तो प्रभु राम की विरह में उनको नींद नहीं आई होगी, ये कैसे सो रहे हैं, फिर रावण के पास में कैसे सो सकती है, हैं। फिर तो उन्होंने ढूंढ रहे कहाँ कहाँ, हठात उन्होंने तुलसी की कानन को देखा, तुलसी कानन को देख करके भला ये तुलसी बगीचा, ये तो किसी भक्तों के घर में तुलसी वृक्ष होता है, ये लंका में कैसे। बस हनुमान जी वहीं पर उतर, फिर क्या देखा, फिर देखा श्री राम, फिर शंख चक्र गदा पद्म लिए, तो पूरा लग रहा है पूरा मेरे प्रभु किसी भक्तों का घर दिख रहा है। हम फिर एक शिक्षा देते हैं विभीषण से, एक शिक्षा देते हैं, कहते भक्तों को कैसे जीना चाहिए, इसका एक बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दिया, ये चीज को अच्छी तरह समझो, भक्तों को कैसे अपना काम कैसे निकाल लेनी चाहिए। अभी प्रश्न होता है रावणपुरी में रह करके घर को सामने श्री राम कैसे लिख दिया, शंख चक्र गदा पद्म कैसे घर को सामने कैसे रखा, किसने जा करके रावण से चुगली कर दिया, बोले तू तो राम को अपना शत्रु मानते, बोले हाँ, बोले रावण के सबसे जो प्यारे भक्त है ना तुम्हारे घर में बैठे हुए, तू तो शत्रु मान रहे हो राम को, बोले कौन, बोले तुम्हारा अपना सगे भैया विभीषण, बोले प्रमाण किया, बोले जाकर देख उसको घर को सामने क्या लिखा हुआ। रावण भक्त भक्त आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण, बोले भैया क्या बात है, बोले ये क्या, बोले कहाँ आपका शत्रु का नाम, बोले क्या श्री राम, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम है ना, कैसे, बोले आपका नाम क्या, बोले राम, आखिर क्या, बोले रा, बोले भाभी का नाम, बोले मंददरी, पहला आखिर क्या मां, बोले श्री राम मंददरी। बस खुश हो गया, बोले वाह इतना बड़ा भक्त मेरा है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्थिर है या घरे जाओ नाह बातुर क्रमे क्रमे पाई जीव भव सिंधुपुर अंतरे निष्ठा रखो बाह्य लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे निर्धार। महाप्रभु यही शिक्षा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जो बारंबार घर छोड़कर चले जाते हैं, पिता माता उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, महाप्रभु ने क्या किया, बोले देखो स्थिर होकर घर में जाओ, अपना अंदर में अपना निष्ठा, अंदर में अपना निष्ठा रखो, लेकिन जो बाह्य व्यवहार है बाहर का व्यवहार को ठीक करो, अपना अंदर में निष्ठा ठीक रखो, लौकिक व्यवहार को ठीक करो, लेकिन जब उपयुक्त समय आएगा भगवान तुम्हारी कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, चिंता मत करो। इसलिए बुद्धिमान का काम यही है बाहर उन्होंने लोक को ठग करके कर्तव्य की अपना भक्ति को है, अपना भक्ति कैसे हो जानी चाहिए है, कैसे अपना छुपा कर किसी तरह से अपना भजन कर लेना, ये बुद्धिमानों का काम है। लड़ाई झगड़ा करके सब दुनिया को दिखाने का ये काम नहीं, अंदर में निष्ठा रख करके अपना भजन साधन को हमें ठीक कर लेनी चाहिए, अपना भक्ति ठीक से कर लेनी चाहिए। इसलिए इतने में हनुमान जी आए, फिर उन्होंने हनुमान जी कोशिश किया, हनुमान जी सोच रहे हैं भैया इधर रावणपुरी लंकापुरी हो ना हो, मेरे को भ्रमित करने के लिए तो कोई तुलसी वृक्ष सृष्टि नहीं कर दिया, फिर श्री राम का नाम तो नहीं लिख दिया मेरे को, भाई तो भ्रमित नहीं कर रही यहाँ पर, क्योंकि राक्षस बुरी है ना है। फिर हनुमान जी सुखम रघु धारण करके अंदर में गए, अंदर में जब गए देखा विभीषण लेटा हुआ और जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम रोम रोम से राम राम निकल रहा था। बोले कपटी व्यक्ति का रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकलेगा, जो भक्त हो उसकी ही रोम रोम से भगवान के नाम निकल सकता, कपटी व्यक्ति की है कभी भी रोम रोम से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, ये भगवान का प्यारे भक्त है। फिर उन्हें बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण उठे, प्रभु का नाम लेते हुए उठे, फिर विभीषण को साथ में हनुमान जी की फिर साक्षात्कार हुई, फिर आपस में चर्चा हुई। जब चर्चा हुई इतने में श्री विभीषण को जब पता चला ये कौन है, बोले ये राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी हैं। फिर कहते हैं आज मैं भा भरोसा हनुमंता
बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह किनी तो मई तरस अटे दिन। मैं कभी भी नहीं सोच सकता चार तरफ में ये नरभक्ष राक्षस चार तरफ में गिरे हुए, उसको बीच में और भगवान के सबसे प्यारे भक्त हनुमान, इनका दर्शन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता है। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम का कोई विशेष कृपा हुई, जो कि हनुमान जी को मिला है। बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, तो क्या हो गया है? लगता है भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं। इतने में श्री विभीषण ने कहा, देखो हनुमान मेरे लिए तुम एक काम करो, तेरे लिए मैं एक काम कर लूंगा। बोले बताओ। तो तेरे पास में पिता है, मेरे पास में माँ है, जब तक पिता माता का मिलन नहीं हो तब तक पूरी नहीं होता है। तेरे पास में राम और मेरे पास में माँ सीता है, इसलिए मैं माँ से मिला देता हूँ, तो मेरे पिताजी से मिला देना। बोले ठीक है। बोले बताओ माँ कहाँ पर? बोले जाओ अशोक वाटिका में माता सीता जी। फिर हनुमान जी लेकर के वहां पर सुना है राम कहानी, क्या भजन है, क्या है, सुना है राम कहानी, बहुत अच्छा भजन हनुमान जी गाए हैं, इसलिए इतने सुंदर भजन, बड़ा अद्भुत भजन है। फिर सीता जी को साथ में भेंट हुई है, मुद्रिका उन्होंने श्री उनको मुद्रिका दी प्रभु राम की। फिर उन्होंने चूड़ामणि दी है, चूड़ामणि सीता जी ने दिया। फिर दे करके उन्होंने फिर बोले देखो तेरे को मैंने माता सीता से मिला दिया, माँ से अभी तुम्हारा काम रह गया पिता से मिलाना। बोले ठीक है। जब विभीषण ने रावण को उन्होंने प्रार्थना किया, बोला देखो हम श्री किसके पुलस्त ऋषि के हम वंशधर है, हमारे कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले जाना, ये हमारी कर्तव्य नहीं, ये माँ सीता स्वयं है, हाँ ये माँ सीता स्वयं, इसलिए उनको जाकर के वापस दो। रावण को क्रोध आया तो मार लात, और विभीषण लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा। और उन्होंने जब प्रभु राम को पास में मिलने के लिए आए, इतने में राक्षस ने पूछा भैया तुम कौन हो? बोले मैं रावण का छोटे भैया। इतना सुनते ही ना बोले रावण के छोटे भैया, कल युद्ध होने वाले तू आज आ गया, ये कोई अभिसंधि लेकर के जरूर आया है, हैं? पता नहीं राक्षस लोग बड़े दुष्ट होते हैं, इसलिए उनको तो बांध बूंद करके रस्सियों में बांध बूंद करके लेकर के आए। जब ले आए वहां पर, जब ले आए विभीषण तो सोच रहे थे प्रभु बड़े दयालु कृपालु, लेकिन ये तो हमें बांध बूंद करके ले आए, ऐसे ऐसे देख रहे थे कोई परिचित व्यक्ति है कि नहीं। देखा हनुमान जी, हनुमान देखकर कलर ऊंचा हो गया, कलर ऊंचा हो गया, समझ रहे हो, कलर ऊंचा समझ रहे कि नहीं, मतलब छाते में थोड़ा ताकत आ गया। क्यों? अगर मेरे कोई नहीं जानते है ना, फिर तो जाकर क्या परिचय दूं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मेरे को जानता है, जो लंका में आया था और जिसको साथ में मेरी वार्तालाप हुई थी, मेरे को जानता है, और माता सीता का मैंने संवाद बताया था, इसलिए वो मेरे को जानता है। उनको कलर थोड़ा ऊंचा हो गया, छाती चौड़ी हो गई। इतने में हनुमान जी ने पूछा विभीषण तुम कैसे? बोले एकदम बात मत क्या करो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुम आया था लंका में और मैंने कहा तेरे पास में बाप, मेरे पास में माँ, मैं माँ से मिला देता हूँ, तू बाप से मिला देना, और देखो बंदर लोग मेरे कैसे बांध बूंद करके कैसे लेकर के आए। हनुमान जी ने पूछा तुमने क्या परिचय दिया? बोले मैंने कहा रावण का मैंने छोटे भैया। बोले तभी तो बांध करके ले आए, रावण भगवान का विरोधी है, अगर तो उसका छोटे भैया बोले बांध करके लाएंगे नहीं, तेरे को सम्मान करके लाएंगे। अगर तुम इतना बोलते हनुमान का मित्र हो, हनुमान जी का मित्र हो, तेरे को स्वागत करके यहाँ पर ले आते, हनुमान जी का मित्र है स्वागत करके ले जा, तुमने पहले ही परिचय गड़बड़ी कर दिया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं हमें, अगर कोई पूछा जाए ना तुम कौन हो, अपना परिचय क्या देनी चाहिए, हम लोग कौन है? वैष्णव का, दासों का, दासों का हम अनुदास है, तो भृत्य हम संतों के, गुरु जी के, हम भक्तों के, भक्तों के, भक्तों के हम भक्त हैं, हमें यही परिचय हमें देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कद विभीषण का जो अभिलाष है, जो पूर्ण करने वाले कौन है? कद श्री हनुमान जी हैं। इसलिए गुरु जी कथा सुना था ना, गजमती हार, मैया सीता इतने खुश हो गई, बोले तुमको कुछ उपहार देने चाहिए, उनने गला से गजमती हार निकाल करके हनुमान को दिया। हनुमान जी एक एक मोती को लेकर के काट करके फेंक रहे थे, काट काट फेंक रहे थे,
भैया सीता ने बोले, ये बंदर तू ये क्या कर रहे हो, इतने कीमती चीज तेरे को दिया, ये बंदर को आदर का स्वाद क्या पता है, हैं? ये बंदर को आदर का स्वाद क्या पता, इतने कीमती चीज दिया तू मुंह में काट काट कर क्यों फेंक रहे हो। बोले मैं देख रहा हूं इसमें मेरे प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु सीताराम का कोई छवि नहीं हनुमान उसको ग्रहण नहीं करता है। बोले बात बड़े बड़े करते हो, अगर ऐसे हो तेरे शरीर में क्या सीताराम, फेंक दे शरीर को, फेंक दे इसको, क्यों धारण करके रखे हो। बोले देखना चाहते, बोले क्या दिखाओ, हनुमान जी अपना छाती को फाड़ दिया, फाड़ दिया, अब देखा हनुमान जी के हृदय में सीताराम की निवास है। बस सियावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो और ये कथा है, जब जैसे चुटकी बजाना है, इसलिए एक समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता चारों ने मीटिंग की, बोले ये बंदर सारे सेवा अकेला करता है, बाहर भीतर में किसको हाथ छूने नहीं देता है, छूने नहीं देता, सारे सेवा यही कर रहे हैं। बोले एक काम करते, बोले मैया सीता आज से अंदर का सेवा अब कर लो, बाहर का सेवा हम तीनों भाई कर ले, बांट लेंगे, ये बंदर को निकालते हैं। बोले हनुमान जी धरा क्या क्या बात है, बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो। बोले क्यों क्या बात है, बोले आज से अंदर की सेवा माता जी करेगी, बाहर का सेवा हम तीनों भाई कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो प्रभु के सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, प्रभु का सेवा ही मेरा जीवन है, इसलिए कोई एक सेवा दे दो जो एक सेवा करते 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 हुए अपना जीवन को उसमें ही लगा रहूंगा, सेवा ही तो मेरा प्राण है ना, है? इतने में बोले ऐसे एक सेवा दो जो सेवा कभी जरूरत नहीं हो। बोले क्या सेवा, बोले जब प्रभु का जब भाई आए ना चुटकी बजाना, जानते हैं जब भाई किसको आता है, जिसको अंदर में आलसता हो ना तभी जब भाई आई, आलसता नहीं आई तो जम्भाई नहीं आती, भगवान में तो कभी जब आलसता आती ही नहीं, इस सेवा की कोई जरूरत नहीं। बोले बाहर बैठो, वहीं पर जम्भाई जब आएगा वहीं पर तब जम्भाई बजाना। बोले हनुमान जी ने देखा पता नहीं कब जब प्रभु को जम्भाई आ जाए, पता कैसे चलेगा, बस बाहर बैठ करके जम्भाई आने से पहले ही चुटकी बजाना शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। अरे प्रभु को जब भाई बंद नहीं हो, जब भाई के ऊपर जब भाई क्यों कारण किया, बोले भगवान की एक विशेष गुण है भक्त वात्सल्य। भगवान कहते हैं सारे चीज को मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन भक्त वात्सल्य तक मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों, जिन लोगों ने मेरे लिए पुत्र परिवार भाई दुनिया दारी जो सब कुछ मेरे लिए त्याग दे करके मेरे शरण में जो अकेला पड़े हुए, मैं उनको कैसे त्याग दे सकता हूँ, हैं? इसलिए न तथा मैं प्रियतम आत्मज्वनीर न शंकर, इसलिए कहते मेरे बेटा ब्रह्मा भी जितना प्यारे नहीं, शंकर जी जितना प्यारे नहीं, लक्ष्मी भी जितना प्यारे नहीं, बलदेव प्रभु जितना प्यारा नहीं, मैं भी मेरा जितना प्यारा नहीं, भक्त उससे ज्यादा प्यारा मेरे हैं। इतने बड़ी बात भगवान इतने बड़ी बात कहते हैं। इतने में वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी देखा, बोले तो प्रभु सब ठीक ठाक है, कोई तो बीमारी बीमारी कुछ है ही नहीं। बोले फिर जम्भाई क्यों ले रहे, बोले हनुमान जी का, बोले उनका सारे सेवा के सेवा को उनको निकाल करके उनको बाहर बैठा दिया, जब जम्भाई आए तो चुटकी बजाना। बोले हनुमान क्या कह रहे, बोले चुटकी बजा रहे, बोले इसलिए तो प्रभु जम्भाई ले रहे, इसलिए हनुमान को सारे सेवा वापस दे दो, जब तक वो चुटकी बंद नहीं करेगा तब तक। हनुमान बोले तू चुटकी क्यों बजा रहे हो, बोले बाहर तो निकाल दिया मेरे को, पता कब चलेगा प्रभु का जम्भाई आए, इसलिए पहले से ही चुटकी बजाता। फिर तो हनुमान जी के सारे सेवा उनको वापस दे दिया। और हनुमान जी सारा शरीर में जो सिंदूर लगा कर रखे, क्यों सिंदूर लगाए, इसलिए माता सीता जी को जब देखा श्रृंगार करते हुए, उन्होंने एक मांग भरे और सिंदूर का एक बूंद लगाए। बोले मैया इसको क्यों धारण कर रखी हो, बोले बेटा पति की स्वाहा के लिए पत्नियां धारण करती हैं, दीर्घायु हो, जस हो, अमर हो। हनुमान जी ने कहा जब इतना लगाने पर है पति की इतना हो, मेरे पति भी तो प्रभु राम है, पूरा शरीर में उन्होंने सिंदूर पोत दिए, सारा शरीर को शरीर उन्होंने सिंदूर में पोत दिए। ऐसे ही हनुमान जी भगवान की बड़े सेवक है, परम सेवक सेवक है, इसलिए भगवान जब इसी दुनिया से गए, सब दुनिया को लेकर गए, केवल हनुमान को छोड़कर गए, इसलिए हनुमान बड़े दुखी होकर रोते हैं। कहते नारद जी आप कह रहे हो मैं भगवान के सबसे प्यारे हैं, अगर मैं प्यारे होता तो प्रभु मेरे को छोड़कर क्यों जाते,
पूरा अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, ये दुर्भागा अकेले भी प्रभु यहाँ छोड़ कर गए। क्यों छोड़ कर जाते? इसलिए हनुमान जी बड़े दुखियों को रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे ऐसे बात नहीं, अगर बोले हनुमान जी अगर तू चले जाओगे तो राम भक्ति जगत में कैसे प्रचार होगा, राम भक्ति कैसे जगत में प्रचार होगा, केवल राम भक्ति दुनिया में हो, इसलिए हनुमान जी को छोड़कर गए। मतलब है कि दुनिया में जो भक्ति हो रही है किसकी कृपा से, श्री हनुमान जी कृपा से, भक्ति हनुमान जी कृपा से हो रही है। प्रभु की भक्ति के लिए उन्होंने प्रभु का संग त्याग दे करके प्रभु की भक्ति के लिए उन्होंने इस जगत में रहे, विरह को सहन करते हुए भी प्रभु की कथा को दुनिया में हनुमान जी प्रचार करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले बोलो राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के, रावण मर ना श्री राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, रावण मर ना श्री राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मोक्ष मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मोक्ष मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया बोलो राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय, जय Yeah.